नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर इस तरह टेक्स्ट को हम कैसे बेंड करते हैं। देखिए, ऐसे इस तरह का हम लोग को टेक्स्ट अगर लिखना होगा, अगर लाना होगा इस तरह का बेंड टेक्स्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग इस तरह लिखा हुआ स्टाइलिश वे में लिखा हुआ एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर, तो क्या करेंगे। बहुत बार ऐसा डिज़ाइन होता है कि हम एडोबी पेज मेकर में काम करते हैं तो इस तरह का अगर टेक्स्ट लिखना है, इस तरह का टेक्स्ट लाना है तो क्या करेंगे, क्या सिंपल तरीका क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि बेंड टेक्स्ट कैसे करते हैं, टेक्स्ट को बेंड कैसे करेंगे, इस तरह का स्टाइलिश टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये मैं आपको एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर बताऊंगा। तो ये लिखा हुआ है, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब नॉर्मल जो तरीका है पेज, नया पेज लेने का, जैसे न्यू ले लिया मैंने, उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आया, फिर ओके पे क्लिक किया। करने के बाद इस तरह का एक नया डॉक्यूमेंट पेज आ जाएगा, उसके बाद इसको राइट क्लिक किया मैंने, उसके बाद इसे मैं 75% कर देता हूँ। उसके बाद टूल बॉक्स में जाऊँगा, हैंड टूल पे गया, पेज को ज़रा सा मैं सेटअप सेट कर लूँगा। ये नॉर्मल सा पेज मेरा आ गया। अब मुझे अगर टेक्स्ट लिखना है स्टाइलिश, अगर राउंडेड इस तरह लिखना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए टाइटल बार है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मेनू बार है, यहाँ देखिए अलग अलग मेनू दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल के बाद एडिट, एडिट में जाएंगे, एडिट में एडिट मेनू पे जाने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन देखिए, पेस्ट मल्टीपल, पेस्ट स्पेशल पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट का जो ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, करने के बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट का एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ देखिए क्रिएट न्यू दिया हुआ है, इसे सिलेक्ट ऑलरेडी अगर चेक किया हुआ है, ऑन है तो रहने दीजिए। उसके ऑब्जेक्ट टाइप के ये जो बॉक्स दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, इस बॉक्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए हैं। देखिए एडोबी फोटोशॉप इमेज, बिट मैप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है, तो नीचे आइए और आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा होगा, 2003 है या 2013 है, जो भी है आप उस पर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हो इस तरह आएगा। इसे आप सिलेक्ट कीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट मेरा 2013 में यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। प्रोसेस सबका प्राइस सेम है, अगर आपको आता है तो किसी में भी कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अलग अलग टैब दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, यहाँ पे आपको यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए अलग अलग ग्रुप्स हैं, इलस्ट्रेशन ग्रुप, मीडिया ग्रुप, यहाँ अलग अलग ग्रुप है। तो सबसे राइट हैंड साइड में जाएंगे, यहाँ देखिए टेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है, 2013 में का लुक कुछ इस तरह नजर आता होगा। यहाँ पे देखिए वर्ड आर्ट दिया हुआ, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में क्लिक कीजिए। करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन दिया है, नॉर्मल जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है, सपोज मुझे ये पसंद है, इस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पे देखिए इस तरह का बॉक्स आ जाएगा, ये टेक्स्ट हेयर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये जो ये टेक्स्ट हेयर चला जाएगा। तो मैं लिखता हूँ, मैं अपना नाम लिखता हूँ, लिख दिया। अब मुझे इसे राउंड करना है, घुमाना है, कुछ भी करना है, तो इसके लिए आते हो तो इसके दाग पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज जैसे टाइप करने के बाद, जैसे आप टाइप करेंगे तो फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। देखिए व्यू के बाद फॉर्मेट है, आपको करना क्या है, फॉर्मेट के ठीक नीचे ये जो टेक्स्ट का फॉर्मेट का यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल के ठीक बगल में देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ तीन ऑप्शन आपको ये लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वाला जो टेक्स्ट इफेक्ट दिया उस पर क्लिक करना है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लू है, उसके बाद बेबल है, उसके बाद यहाँ 3D रोटेशन है, उसके बाद ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नो ट्रांसफॉर्म, ABCD ऐसा लिखा, फ्लो पाथ, अगर इस तरह राउंडेड करना है तो ये ऑप्शन यूज़ कीजिए, नीचे राउंड करना ऐसे, और चारों तरफ करना है तो इस तरह। तो फिलहाल मुझे ये वाला चाहिए जो आपको सूटेबल लगे, ये मैंने क्लिक कर दिया। देखिए इस तरह का राउंड हो गया, इसे और भी अगर राउंड करना है, देखिए इस तरह राउंड कर दिया मैंने, तो राउंड आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, जब पूरा तरह से आपने इस तरह राउंड कर दिया, इसे थोड़ा नीचे ड्रैग कीजिए इसे, तो सब पूरा राउंड हो जाएगा। करने के बाद आपको करना क्या है, आप ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरा, इसे आप क्लोज करना होगा। इसे मैं यहाँ से क्लोज बटन है राइट हैंड साइड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पेज मेकर में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद देखेंगे, ये देखिए मेरा पेज मेकर अडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। यहाँ पे देखिए वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आ गया। अब इसे आप पेज पे ला के रख दीजिए, जहाँ भी रख सकते हैं आपकी मर्ज़ी। आप चाहे तो इसे ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको लगता है नहीं इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है, कुछ मॉडिफिकेशन ऑलरेडी आ गया यहाँ पे Adobe पेज मेकर 7.0, अगर फिर वापस अगर इसमें वापस जाना है कुछ करना है तो यहाँ से तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाइए, ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद अगेन टेक्स्ट पे डबल क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये देखिए खुल गया, मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया। अब इसे आप जो थोड़ा मॉडिफाई वगैरह जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसे आपको लगता है नहीं टेक्स्ट को और बड़ा करना है तो क्लिक कीजिए, 48 करना है, 72 जो करना है, ज़्यादा बड़ा हो गया तो ऐसा कम कर देता हूँ मैं 48। इसको आपको फिर से अगर कुछ करना है यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए, फिर से इसे रोटेट करना है, फिर से 3D रोटेशन ट्रांसफॉर्म में जाइए। ये देखिए रोटेट हो गया, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, कॉर्नर पोर्शन से आप इसे और रोटेट कर सकते हैं, इस तरह राउंड राउंड हो गया। करने के बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये इसे आपको क्लोज करना होगा। ये मैंने क्लोज कर दिया, ये देखिए मेरा टेक्स्ट गौतम कुमार लिखा हुआ यहाँ पे आ गया, ऑटोमेटिकली एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर आ गया। अब मैं दूसरा स्टाइल एक लेकर आता हूँ, वो देखते हैं कैसे करते हैं। अगेन एक बार देख लीजिए आप लोग, अगेन आप एडोबी पेज मेकर 7.0 को ओपन कीजिए, उसके बाद ऊपर टाइटल बार है, उसके ठीक नीचे देखिए मेनू बार है, यहाँ फाइल के बाद एडिट में जाएँ। जाने के बाद एडिट के सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कीजिए। करने के बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप के जो बॉक्स है, यहाँ देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, आपको इसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके इंस्टॉल रहना चाहिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 2003 दिया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफिस का जो पैकेज है वर्ड का वो खुल जाएगा, एमएस ऑफ वर्ड का जो पैकेज है वो खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे 2013 में यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास जो भी वर्सन है, थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस नहीं है सब में। अगर आपको एक में काम करने आता है तो ऑटोमेटिकली बाकी सब में भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टैब दिया, अलग अलग टैब है, यहाँ इंसर्ट में क्लिक कीजिए। करने के बाद इसका अलग अलग देखिए यहाँ पर ग्रुप खुल जाएगा, तो सबसे राइट हैंड साइड में देखेंगे टेक्स्ट का जो ग्रुप है यहाँ देखिए वर्ड आर्ट दिया हुआ है, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे अब मैं दूसरा एक ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ या ये वाला जो आपको अच्छा लगे, ये वाला क्लिक किया। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट यहाँ टाइप करना है, मैं लिख देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर कर देता हूँ, लिख दिया मैंने टेक्स्ट। लिखने के बाद आप चाहें तो इसे ड्रैग करके थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, बीच में ला सकते हैं। करने के बाद इसे कुछ मॉडिफाइड, इसे आप कुछ स्टाइलिश वे में लिखना है तो अगेन आप क्या कीजिए, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे चाहो तो बॉक्स आपको दिखाई देगा और उसके बाद फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे सबसे नीचे वाला, यहाँ टेक्स्ट के बगल में देखिए वर्ड आर्ट स्टाइल दिया हुआ है, इसके ठीक बगल में देखिए इस नीचे वाला 3A दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर देखिए 3D रोटेशन, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर अलग अलग स्टाइल दिया, जो आप जैसे जैसे आप यहाँ पर रोटेट करेंगे स्टाइल आपका टेक्स्ट चेंज होता चला जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। ये अगर अच्छा लगे, ये अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, ये अच्छा लग रहा है देखिए इस तरह का आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए आपको पिंक कलर का ये दिखाई देगा, पॉइंट दिखाई देगा, इस तरह आप इस स्टाइल वे में बना सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, ये स्टाइल कर दिया, अगर पसंद नहीं आता फिर अगेन आप दूसरा चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाइए, दूसरा जो आपको अच्छा लगे, बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं यहाँ, आपको आपकी मर्जी है। जैसे ये मुझे ये है डिफ़ॉल्ट बॉटम, ऐसे कर दिया, इसको और थोड़ा सा इस तरह कर दिया, देखिए हैप्पी न्यू ईयर इस तरह थोड़ा ज़्यादा ये लिख दिया मैंने। लिखने के बाद इसे मुझे ये देखिए आ गया। आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये वाला, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है, इसको आपको क्लोज करना होगा। तो राइट हैंड साइड में क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आप जो लिखा है देखिए यहाँ पे
एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर ऑटोमेटिकली ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आ गया। देखिए इसे ला के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ये देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है छोटा, ऐसे अब ऐसे ड्रैग करके बड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ अगर कुछ और लिखना है तो आप एडोबी पेज मेकर से यहाँ से, जैसे मुझे यहाँ टेक्स्ट लिखा है कहीं भी लिख लीजिए, यहाँ लिख दिया थैंक्स, थैंक्स लिख दिया। अब इसे मैं ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल पैलेट से यहाँ से बड़ा कर दूंगा, ये मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ से कलर भी कर सकता हूँ। उसके बाद आप चाहे तो इसे इस टेक्स्ट को आप यहाँ जहाँ दिल करे वहाँ रखिए, यहाँ मैंने रख दिया। तो इस तरह आप अलग सा, कभी कभी ऐसा होता है कि अडोबी पेज मेकर में काम कर रहे हैं तो इस तरह का डिज़ाइन हेडिंग देना है, राउंडेड टेक्स्ट देना है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तरीका है, ये सिंपल तरीका है कि इस तरह का टेक्स्ट हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ला के यहाँ पे एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मेरे प्रीवियस पहले वाले ट्यूटोरियल्स भी देखिए। एडोबी पेज मेकर का बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने क्रिएट किया है, उससे भी आप सीख पाइएगा। और मुझे आशा है कि जिस व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था उनको मैंने संतुष्ट कर पाया। तो थैंक यू एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद।